तो यहाँ पे मछली का मसाला तैयार होते हुए, तो देखिए हम लोग का मछली बन के तैयार हो चुका है। अब इसका रंगत दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्पाइसी वाला है, ये देखिए पीस, ये देखिए पीस कुछ इस प्रकार से बना है। थोड़ा सा तरी डाल दो, तरी डाल दो, तरी 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 सब खोपड़ी दे दिए रे, खोपड़ी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, मैं हूं अभी सूरत गुजरात में और मैं आया हूं 1 तारीख को, आज है 11 अगस्त। दोस्तों मैं जहां पे रह रहा हूं, पहले वो चीज़ देख लो, वो जगह देख लो जहां पे मैं अभी रह रहा हूं। ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा जगह है और ये हम लोग का रूम है, उस साइड इधर लैट्रिन बाथरूम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ किसी काम के सिलसिले में और मेरा बाल भी काम बढ़ गया है, देख सकते हो। तो आज है संडे और ये सब देख सकते हो, और इस साइड देख सकते हो कितना मस्त जगह है। हम लोग रह रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे और यहाँ जहाँ पे रह रहे हैं ये है हम लोग का ये रूम। इस साइड हम लोग सिर्फ 4 बंदे हैं, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। इसमें सारा व्यवस्था है, फैन से लेके सब चीज़, बड़ा वाला सिलेंडर है, गैस चूल्हा है। तो दोस्तों आज है संडे और ये देखिए मेरा बाल काफ़ी बढ़ चुका है, बाल दाढ़ी, तभी चलते हैं बाल दाढ़ी यहाँ कटा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गया है। तो बाल दाढ़ी सेट करा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये है हमारा सीढ़ी, इससे उतरते हैं। तो ये है वो एरिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये देख सकते हैं, और वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है। और ऐसे ही रास्ते से आधे किलोमीटर दूर हमारी कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो अभी चलते हैं, बाल दाढ़ी जल्दी से बनवा लेते हैं, फिर इसके बाद नहाना धोना है और आज खींचना वगैरह भी कपड़ा वगैरह, ठीक है। तो पास में ही दुकान है बाल दाढ़ी का, जाकर पहले सेट करा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ गुजरात में कितना लेता है बाल दाढ़ी का, बाल दाढ़ी बनवाने में कितना पैसा लेता है, चार्ज करता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो 60 रुपये में बाल दाढ़ी बन जाता है, 60-70 रुपये में बन जाता है, पर यहाँ पे कितना है मुझे नहीं पता। ये मैं पहुँच गया सैलून के पास, यहाँ पे देखिए करण भाई बाल बनवा रहे हैं। बाल दाढ़ी कितना लेते हैं भैया? 110 रुपये। हमारे यहाँ बाल दाढ़ी का 60-70 रुपये लेते हैं, पर यहाँ पे भैया जी चार्ज कर रहे हैं 110 रुपये। और ये मेरा बंदा अभी बनवा रहा है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा आपका, चलो यार, तो मेरा तो अभी 3रा नंबर है, अभी वेट करते हैं, इसके बाद बनवाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना बाल दाढ़ी बनवा लिया और उसको बुलाया इधर, तो हल्का हल्का काटने का ये पूरा यहाँ से उड़ा दिया, ये वाला पूरा उड़ा दिया। मैंने बोला मोच रखने ना थोड़ा सा बड़ा सा, ये भी उड़ा दिया। तो चला समझ में नहीं आ रहा था, गुजराती था भाई, बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब हिंदी समझ रहा था पर उतना ठीक से नहीं समझ रहा था। खैर जो भी है, 10-15 दिन में फिर वापस तो आ ही जाएगा, है ना। अभी देखो भाई साहब इसका देखो दाढ़ी कैसे सेट किया मस्त। हाँ हमने बोला इसको यार कि इसको क्लीन करा ले, ये क्लीन नहीं कराया और बाल बेचारा नहीं बनवाया। तो चलो चलते हैं जल्दी से, भी हम लोग नहाते धोते हैं, फिर अभी हम लोग को जाना है मार्केट, क्योंकि हफ्ते भर का पूरा राशन लेने जाना होता है, तो जाएंगे ही मार्केट। अरे तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे, नहा धो लिए और कपड़े भी चेंज कर लिया है। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज चुका है और अभी हम लोग हैं अपने रूम पे, बाल दाढ़ी बनवा लिए, पूरा सेट कर चुका है, चेंज वगैरह सब कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग गए थे दोपहर में मार्केट, पूरा सामान ले आया और साथ ही साथ हम लोग लाए हैं मछली, तो चलिए दिखाते हैं, बैठे हैं। तो ये देखिए ताजी प्यासी मछली है, ये लाए हैं और यहाँ पे देखिए मछली तला रहा है। और ये है हम लोग का ये हफ्ते भर का पूरा राशन, जो पूरा राशन लाया है ये हफ्ते भर चल जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा है। और अभी सरसों
तो हम लोग का मछली पूरा तला चुका है, अब उसी तले हुए तेल में अब उसी में सब हम लोग मसाला डाल रहे हैं, मतलब फ़ौरन का जितने मसाले होते हैं सब डाल दिया गया है। अब प्याज को अच्छे से भून के फिर इसको डाल दिया जाएगा। रेसिपी आप लोग को सबको पता होगा, कोई नया स्टाइल से बन नहीं रहा है, बस बनाने का थोड़ा सा वीडियो आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मछली का मसाला तैयार हो जा रहा है थोड़ी से देर में, 5 मिनट उसको और अच्छे से भूजेंगे, क्योंकि उसमें टमाटर और प्याज वगैरह सब अच्छे से भूजा गया है। और वहाँ पे देखिए हमारा मछली तला के रेडी है, बस 5 मिनट इसको और खौला के फिर इसको इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, बना रहे हमारे बहनोई साहब, क्योंकि इनको बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का, तो चलिए जल्दी से बनता है इसके बाद। तो देखिए हम लोग का मछली बन के तैयार हो चुका है, अब इसका रंगत दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्पाइसी वाला है, ये देखिए पीस, ये देखिए पीस कुछ इस प्रकार से बना है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब बन रहा है रोटी, जल्दी से रोटी बन जाएगा, इसके बाद हम लोग बैठेंगे खाने के लिए। ठीक ना, तो हम लोग का खाना तैयार हो चुका है, अब यहाँ पे रमेश भाई हमारे निकाल रहे हैं खाना। तो देखिए है मछली, और उधर है रोटी, चावल ही बना हुआ है, देखिए कितना मस्त मस्त गोल पीस। एक मछली का मुंडी दे देना गुरु, मुंडी डाल दो, चीज को खाना चाहिए ऐसा नहीं, आदमी का मुंडी खाओगे क्या? थोड़ा सा तरी डाल दो, तरी डाल दो, तरी 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 सब में तरी लगा दो।